जो भाग के कहाँ जाना, मजे से कर देंगे भाई, जोश निकालते हैं सारा अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद। देखिए बिजली कड़कने लग गई भाई बिजली। तो भाई अपन हो चुके हैं फुल रेडी, मेरा हथियार देखिए यहाँ पे, हथियार भी AK-47 भाई, इससे करेंगे हम। तो सबसे पहले तौलिया है यहाँ पे खोदने के लिए, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मजा आ गया भाई, मैं खुद हैरान हूँ भाई, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ यार, कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो पब्लिक कैसे हो सभी यार। तो अपन आ चुके हैं फिर से एक और नई वीडियो लेकर। मैं हूँ अपने अड्डे में, उसी घिसी पिटी सी जगह में पहुंच गया हूँ मैं फिर से। तो देख लिया यहाँ पे आज काफी, आज मौसम देखिए काफी सुहाना सा हो रखा है भाई, सुहाना सा, सुहाना तो नहीं बस बादल लगे हुए हैं, इधर सामने बादल दिख रहा होगा आपको। तो आज कई दिनों बाद फिर से काम चालू हो गया अपना भाई, मैं आज आ चुका हूँ फिर से। आज कई दिनों बाद, 5-6 दिन हो गया था काम कुछ करने को हो नहीं रहा था बारिश की वजह से। तो फिर अपन आ चुके हैं आज काम करने के लिए, आज हम खोदेंगे तौलिया भाई, आज करेंगे काम भाई, आज फुल जोश में अपन, फुल जोश में भाई। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं, अभी टाइम हो रहा है यार लगभग अभी 11 बज चुके हैं दिन के सुबह के, चाहे जो भी हो, चाहे 11 बज चुके हैं अभी ना। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मैं अपने अड्डे में पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, अभी अभी आया मैं, थोड़ा काम था मेरे नीचे ना, तो ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है। चलो कोई नहीं, फिर भी अपन आज फुल जोश में है भाई आज, क्योंकि लगभग एक हफ्ता हो गया था मेरे को काम किया नहीं था मैंने कुछ, तभी उसका जोश है। तो अभी इस जोश को करते हैं हम अपन ख़त्म, तो काम करके निकालेंगे अपना जोश पूरा। तो देखते हैं, चलो थोड़ा मैं रेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, बैठता हूँ एक घड़ी, फिर उसके बाद मैं मिलूंगा आपको काम करते हुए भाई, पहला देंगे आज काम में भाई, फुल पहला। फाइनली पब्लिक, अपन पहुंच चुके हैं यहाँ पे बगीचे में खोदने के लिए, हो चुके हैं रेडी भाई। आज मैं हूँ फुल जोश में भाई, फुल जोश में भाई, देखते हैं। जोश तो है अभी, लेकिन बोलने में और करने में बहुत फर्क पड़ता है भाई, देखते हैं कितना होता है। तो मैं फुल जोश में हूँ अभी, तो एक हफ्ता काम नहीं किया है, इसका जोश हो सकता है, लेकिन वही करेंगे अपन। मेरा टारगेट है आज कम से कम 15 तौलिये खोद दूंगा मैं, अभी लग रहा है मेरे को, जिस हिसाब से मेरा जोश है ना भाई, बैंच गर्मी है ना जिस हिसाब से शरीर में बैंच। तो भाई अपन हो चुके हैं फुल रेडी, मेरा हथियार देखिए यहाँ पे, हथियार भी AK-47 भाई, इससे करेंगे हम खुदाई। तो देखते हैं कितना खुदा जाता है भाई, लेकिन बोलने की बात है भाई, बहुत मुश्किल होता, बहुत हार्ड भाई पब्लिक, मालूम है ना। तो देखते हैं सबसे पहले यार, इधर नहीं खोदेंगे हम, क्योंकि भाई इधर है गिल्ला भाई, अभी तक सूखा नहीं है यहाँ पे, बस अभी 2 ही दिन तो हुए, धूप लग रही है, कल लगी थी धूप और आज लग रही है, तो उधर को तो बनता ही नहीं है, सवाल होता ही नहीं है, जहाँ गिल्ला होगा वहां तो हमको देगी नहीं। पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ है सूखा जैसा तौलिया, फिर देखते हैं, कहते हैं अपन शुरू। तो देखता हूँ, तो पब्लिक अपन हो चुके हैं फुल रेडी खोदने के लिए भाई, तो देखते हैं कितना खोदा जाता है भाई। सबसे पहला मैंने तौलिया देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, पैंच बहुत ही बड़ा है ये भाई, पहला टारगेट ही मेरा सबसे बड़ा रख दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे सूखा भी है तो खोदने में मजा आएगा। तो अपन करते हैं शुरू भाई खोदना। खरकंजी हम दिया क्योंकि भाई देखते हैं कितना खोदा जाता है, अभी तो जोश फुल जोश में हो भाई। तो सबसे पहला तौलिया है यहाँ पे खोदने के लिए, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे, पेड़ भी कितना बड़ा है ये तौलिया, मेरे को कम से कम इसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो करते हैं पब्लिक शुरू खोदने के लिए, अपन है रेडी, मेरा हथियार है रेडी, लेट्स डू इट मैन, फक यहाँ से करते हैं शुरू हम अपन। मजा आ गया भाई, मजा
मेरा जितना भी जोश था निकल गया है भाई। भाई बहुत मुश्किल है भाई बहन, जो अगर खोदना अकेला होता ना भाई तो फर्क नहीं पड़ना था भाई, क्योंकि यहाँ पे बहन जो गिल्ला है थोड़ा, घास झाड़ना पड़ता है, घास साइड में फेंकना पड़ता है, टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है मेरा। तो कोई नहीं, अभी अपन हार नहीं मानेंगे, अभी तो 5 मिनट हुए सिर्फ भाई, अभी हार मानने लग गया ना भाई तो बहन चो भी पूरा बगीचा कैसे खोदेंगे भाई, अपन कैसे खोदेंगे, तो थोड़ा रेस्ट तो करना पड़ता है यार, नहीं तो फेफड़ा मुंह से निकल जाएगा ऐसा लगता है मेरे को, कि बहन चो अब निकल रहा है मेरे मुंह से फेफड़ा बाहर, बहन चो भाग के कहाँ जाना, मजे से खोदेंगे भाई, जोश निकालते है सारा, अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद थोड़ा कर लेते हैं हम अपन रेस्ट। बिना रेस्ट किए हुए तो भाई नॉन स्टॉप तो मेरे से खोदा नहीं जाएगा भाई, थोड़ा रेस्ट तो करना बनता है पब्लिक, तो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ मैं। A few moments later. One hour later. Two thousand years later. Oi, what's that again? Oh, Bencho. Kya hua? Bhai, sone de yaar. बहनचो आधे घंटे से तो सो रहा है तू, आधा घंटा हो गया बहनचो, उठ जा भाई। बहनचो तेरा जोश निकालना, जोश निकाल रहा था शुरू में, तो क्या हो गया, फट गई तेरी अभी भाई जी। प्लीज यार थोड़ा सोने दो यार, अभी 5 मिनट तो है, आधा घंटा काम है भाई, 5 मिनट और। ऐसे थोड़ी ना होता है, खोदना तो तेरे को ही पड़ेगा ना भाई। बहनचो शुरू में तो बड़ा जोश आ रहा था तेरे को, क्या हुआ अभी भाई, बस 5 मिनट खोदा है तूने, जल्दी कर खत्म भाई, मैं मेरे से नहीं सहा जाएगा भाई, जल्दी खोदना पड़ेगा, जल्दी खोद भाई जी। हाँ खोदता हूँ बस रुक जाओ, बस 2 मिनट और, उसके बाद मैं खोद लूँगा भाई, पूरा खोदूंगा भाई, आज दिन भर खोदूंगा भाई जी, प्लीज यार बस 5 मिनट, 2 मिनट और, 5 भी नहीं 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बस। भैंचोर क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों। तो फाइनली पब्लिक बज चुके हैं शाम के 3, और मैंने आज कितना तौलिया खुदा मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो जोश मेरे अंदर सुबह था ना भाई, उस हिसाब से मैं अभी खजल हूँ भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भाई, कैसे। तो मेरा जोश भी हो चुका है खत्म, और इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको मैंने कितने तौलिया खोदे भाई, मैं खुद हैरान हूँ भाई, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ यार, कैसे। लेकिन मैं थक गया हूँ बहुत यार, मैंने खोदा है ना आज, मैं दिखा रहा हूँ आपको सरप्राइज, ये देखिए भाई, ये भाई मैंने पूरा खोद दिया अकेले भाई, सुबह से लेकर शाम तक, अभी बज रहे हैं 3। मैं लगा था इसको लगभग खोदने लगा था मैं 11:30 बज चुके थे यार उस टाइम, 1 घंटा तो मैं ऐसे आके बैठ गया था यहाँ पे, और उसके बाद देखिए यार ये तौलिया बहुत ही बड़ा है, बहुत, सबसे ज्यादा टाइम क्यों लगा मेरे को पता है इसमें, ये घास है ना, जो ये घास चारों, और यहाँ पे इतना है, और यहाँ पे इतना, और साइड में फेंका, और नीचे भी है भाई, ये देखिए इधर और परे को भी, इस घास ने भाई पूरा दिन, और साथ में यहाँ पे गिल्ला भी था, इधर साइड में गिल्ला भी था, लेकिन मेरे को बहुत टाइम लग गया भाई, मेरा जोश पूरा निकल गया यही। तो क्या बताऊं मैं आपको, चलो कोई नहीं, लेकिन मैं थक गया हूँ यार, बहुत ही बड़ा है यार, बहुत, सबसे बड़ा तौलिया है इस बगीचे का, जो जितने भी पेड़ है ना इस बगीचे में, सबसे बड़ा पेड़ भी यही है, और सबसे बड़ा तौलिया भी यही है भाई। अच्छा ठीक है, समझ गया। लगभग 12 बजे से खोदा था मैंने, कंटिन्यू नहीं खोदा भाई, 12 से 1 बजे तक खोदा मैंने, 1 घंटा, उसके बाद 1 बजे चला गया था मैं खाना खाने के लिए घर, घर खाना खाने के बाद आया मैं 2 बजे, 2 बजे से लगा, अभी बज चुके हैं 3, तो 2 घंटे मेरे को लगभग पूरे 2 घंटे लग चुके हैं, लेकिन आज मैं सुबह लेट लगा था यार, 11-12 बजे लग गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया,
चलो कोई सीन नहीं पब्लिक, कोई सीन नहीं, अपन खोदेंगे कल अब। लेकिन अचानक से मौसम भी बदल चुका है, यहाँ पे बारिश होने वाली है। मौसम देखिए, बारिश होने वाली नहीं, लगभग बूंदे बांदे आने लग गई भाई, ये बूंदे आने लग गई देखिए, यहाँ पे पूरा काला हो गया भाई बादल। चलो कोई सीन नहीं पब्लिक, आज के लिए इतना ही हो सकता है। अब हो सकता है क्या, हो गया मान लो, अब मैं नहीं खोदने वाला भाई, और मेरा गला भी सूख गया, बारिश होने लग गई यार, ये बारिश ने अति कर दिया भाई, इस साल तो अति कर दिया। चलो कोई नहीं यार पब्लिक, देखिए बिजली कड़कने लग गई भाई बिजली, तो पब्लिक क्या कर सकते हैं यार, आज एक ही तौलिया खोदा मैंने, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जो जोश था ना मेरे अंदर, वो जोश भी खत्म हो गया। चलो कोई नहीं, खोदना अपन ने है भाई, अपन ने खोदना ही है, और कोई नहीं आने वाला यहाँ, खोदना तो मेरे को ही पड़ेगा, चाहे एक खोदू दिन में चाहे दो खोदू, लेकिन खोदेंगे अपन यार। ये नहीं है टाइमिंग भाई, आज मैं एक तो टाइम भी लेट लग गया था। चलो मैं थोड़ा ऊपर अपने अड्डे में जाता हूँ, फिर बारिश भी होने लग गई, बूंदे आने लग गई, छिट्टे आने लग गए बारिश के। तो पब्लिक फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर, अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बजने वाले हैं, यहाँ पे अंधेरा भी हो चुका है। मैं उसके बाद बैठा था ऊपर, बारिश हुई थोड़ी बहुत, उसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो वैसे ही आज का दिन भी यार। तो पब्लिक आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, और सबसे मेन चीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपको